हेलो दोस्त, एलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 ट्रेड एग्ज़ाम वीडियो नंबर 13 है और 12 का आप देखना चाहते हैं तो पीछे का इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। और यहां पे प्रश्न संख्या 175 से 196 तक है, यानी कह सकते हैं इसमें 22 प्रश्न है। और ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को दोलक भी कहा जाता है, कई बार कहीं कंपन कहा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कंपन से टेक्निकली मल्टी वाइब्रेटर होता है। यहाँ ऑसिलेटर है, सिग्नल जनरेटर के तौर पे यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ बात करेंगे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर, विन ब्रिज और क्रिस्टल ऑसिलेटर। साथ में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो जितने भी टाइप के ऑसिलेटर होता है उसका प्रश्न लेंगे और 22 में लेंगे, मेन प्रश्न को लेंगे और ये सभी परीक्षा उपयोगी होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलपी और टेक्नीशियन क्या था उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न को पहले छाटे हैं, तो चलिए देखते हैं इसे। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे तो मेनली ऑसिलेटर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक आरसी ऑसिलेटर, दूसरा एलसी ऑसिलेटर। तो आरसी आर मीन्स रेजिस्टेंस और सी मतलब कैपेसिटर, और एलसी मतलब एल मतलब इंडक्टेंस और सी मतलब कैपेसिटर। तो ये दोनों पैरामीटर ही डिफाइन करता है कि कौन सा टाइप का ऑसिलेटर है और इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, इसी से इसका नाम चेंज होते रहता है। तो ध्यान दीजिए आरसी में दो है, एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, ये मॉस्फेट या फीट या ओप एम्प या ट्रांजिस्टर सभी से बनता है, और विन ब्रिज भी सभी से बनता है। तो ये दोनों आपके आरसी ऑसिलेटर है, मतलब जिसका कॉम्पोनेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो किसी भी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 1/2π, मैं एक बार इसको कट के करके लिख दूँ। फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात करेंगे तो किसी भी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 1/√xy, ध्यान दीजिएगा ये बेसिक है, xy इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे 2π। और यही ऑसिलेटर का काम है फ्रीक्वेंसी का पता करना। और एक्स के जगह पर देखिए आरसी है तो यहाँ पे आर और सी आ जाएगा, और अगर इसी में फेज शिफ्ट का कितना एंगल है उसके अनुसार से इसके साथ साथ पैरामीटर वेरिएशन होगा, वैसे ही विन ब्रिज में होगा। और एलसी में बात करेंगे तो कॉलपीट, उसके बाद क्लैम्प, हार्टले और क्रिस्टल, लेकिन यहाँ पर आरसी नहीं, यहाँ पर लगेगा आपका एलसी। तो ध्यान दीजिएगा इसीलिए मैंने आरसी एलसी किया है। और सभी का एक एक अगर बता दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फिर फेज शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता करने के लिए बता दिया जाए तो 1/√r c / √6, तो रूट वाला टर्म यहाँ पे आ गया। अगर आपका विन ब्रिज आएगा तो वहाँ पे f = 1/2π के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा 2π के साथ साथ ओनली आरसी यहाँ रहेगा, और कॉलपिट वगैरह जितने भी आएंगे तो इसमें रूट में एलसी आ जाएगा सभी में, और साथ में आपका 2π आ जाएगा। और सी जहाँ कहीं इक्विवेलेंट होगा और कहीं एल इक्विवेलेंट होगा या कॉम्बाइंड होगा। तो इसको टॉपिक को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑसिलेटर से पहला प्रश्न से शुरुआत करेंगे जो 175 है और 174 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ ऑसिलेटर को कह रहा है कि कन्वर्ट क्या है। तो ऑसिलेटर के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, इसे कहते हैं सिग्नल जनरेटर। इसके इनपुट में हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई, और आउटपुट पे हमें एक सिग्नल मिलती है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ऑसिलेटर को क्यों फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए आते हैं, जो हमारा एसी सप्लाई होता है उसमें भी हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है, और जिसे बहुत बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन ऑसिलेटर होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ प्रश्न 175 पे आते हैं, एंड ऑसिलेटर कन्वर्ट टू डीसी पावर टू इनपुट पावर एसी पावर में और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो यहाँ राइट आंसर आपके पास बी है। उसके बाद अगला प्रश्न में आगे जाएंगे, 176 नंबर है। 176 नंबर प्रश्न कर रहा है एन ऑसिलेटर प्रोड्यूस ऑसिलेशन, कैसा सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी राइट आंसर आपका बी है, अनडेम्पेड
अनडेम्पेड मीन्स कहे तो अगर कोई सिग्नल है तो वो सिग्नल कभी कम नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल जाएगा। और डेम्पेड सिग्नल अगर आपने कभी पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में, तो उसमें उसमें जाके डेम्पेड सिग्नल एक जगह जीरो डाई हो जाता है, उसे डेम्पेड कर रहे हैं, लेकिन ऑसिलेशन से हमारा जो सिग्नल होता है कंटिन्यूस एक हाई और लो फ्रिक्वेंसी पे बना के उसी के अनुसार चलते रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 177। तो 177 में कुछ लोग, पिछले वीडियो मैंने बनाया था एम्पलीफायर का, तो लोग पूछे थे कि इसे निगेटिव फीडबैक ही क्यों देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑसिलेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो ये एन ऑसिलेटर इम्प्लाई है फीडबैक क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऑसिलेटर भी होते हैं जिसमें भी निगेटिव फीडबैक देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 100% नहीं है। अगर नाम लिख के आ जाए, जैसे वीन ब्रिज ऑसिलेटर आ जाए, तो ये नेगेटिव फीडबैक में काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल ऑसिलेटर इम्प्लाइड फीडबैक तो पॉजिटिव होगा, अगर विन ब्रिज रहेगा तो नेगेटिव होगा। उसके बाद अगले बात करते हैं, प्रश्न संख्या 178। तो 178 के बारे में आप देख सकते हैं, देखिए पहले हमने बता चुका है एन एल सी ऑसिलेटर कैनॉट बी प्रोड्यूस फ्रिक्वेंसी। तो एल सी हो आर सी हो किसी टाइप का, हमने जो बात किया था दो ही टाइप के ऑसिलेटर होते हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट के नाम से और आगे नाम बढ़ते जाता है, लेकिन एक होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और एक होता है रेजिस्टेंस। यहाँ तो यह कह रहा है एल सी ऑसिलेटर कैन नॉट डू प्रोड्यूस फ्रिक्वेंसी। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी लो फ्रिक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस कर पाता, जैसे 50 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, इस टाइप के फ्रिक्वेंसी एल सी से नहीं होता है। ये केवल 10,000 या 10,000 या इसके समथिंग 5,000 या इस टाइप के फ्रिक्वेंसी को केवल जनरेट कर सकता है हर्ट्ज में। तो यहाँ ध्यान, वेरी लो और राइट आंसर है। उसके बाद 178 से 69 पे आ गए और 79 पे 79 कह सकते हैं। एंड ऑसिलेटर डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीफायर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले आपको इसमें प्रश्न पे लॉजिक से ही आपको दिख जाएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, रिक्वायर नो इनपुट सिग्नल। एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, एक सिग्नल देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, उसी सिग्नल को बड़ा करके आगे प्रोड्यूस करता है, उसका काम होता है एम्पलीफायर। लेकिन ऑसिलेटर क्या है, अपना फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, इसे आप डीसी सप्लाई ऑपरेट होने के लिए देते हैं, उसके बाद एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करके देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनपुट नहीं रिक्वायर होता है इसे, केवल ऑपरेट होने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, किसे, ऑसिलेटर को। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद 79 के बाद 80 पे जाएंगे। तो 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, फॉर ऑसिलेटर इज प्रॉपरली स्टार्ट, अच्छा से स्टार्ट होगा जब गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इनिशियली। तो ध्यान दीजिएगा, गेन पॉजिटिव फीडबैक में गेन हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये स्टार्ट होगा। तो ध्यान, ये राइट आंसर आपके पास मिला है बी में। तो आपका ऑसिलेटर का स्टार्ट होने के लिए, प्रॉपर स्टार्ट होने के लिए गेन एक से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद 181 नंबर प्रश्न पे आएंगे। तो 181 नंबर प्रश्न आपको बता रहा है, एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज। ध्यान दीजिएगा, लिमिटेशन पूछ रहा है किसकी, क्रिस्टल का। तो 181 प्रश्न है, क्रिस्टल का लिमिटेशन क्या है, लो आउटपुट। क्रिस्टल ऑसिलेटर हाई क्यू तो होता है, ये इसकी बेनिफिट है, लेस क्वार्ट्ज एबिलिटी नहीं, क्वार्ट्ज बहुत पढ़ा जाता है पृथ्वी पे, बहुत है, हाई आउटपुट ये है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लो इनपुट होती है, इसी यही एक लिमिटेशन है, या कह सकते हैं इसकी डिमेरिट है, डिमेरिट है क्रिस्टल ऑसिलेटर की। उसके बाद प्रश्न संख्या 182 है। 182 नंबर प्रश्न को आप देखिए, एन एल सी ट्रांजिशन ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइसेज। बिल्कुल सिंपल सा है और आपको दिख रहा है आंसर आपको यही है, एल सी और ये ट्रांजिस्टर। एल सी से तो आपका बन रहा है ऑसिलेटर, और ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव पार्ट है, एक ट्रांजिस्टर से ही बन रहा है ऑसिलेटर, तो एक्टिव डिवाइस इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से प्रश्न आते हैं, कुछ गलतियां नहीं करनी है, कुछ प्रश्न में ही उत्तर मिला हुआ रहता है। उसके बाद 183 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एल सी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर खाली स्थान, उसके बाद एल और सी।
किस पे डिपेंड करता है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी का क्या बताया था, एलसी ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी आप पहले लिख लीजिए, तो आपको आप इसमें सवाल अपने आप बताइएगा। टू पाई अंडर रूट एल और सी, यहाँ सी इक्विवेलेंट भी हो सकता है और एल इक्विवेलेंट भी हो सकता है ऑसिलेटर के टाइम पे। अगर दो कैपेसिटर लगेगा तो उसको पैरेलल बनाना पड़ेगा, दो इंडक्टर लगेगा तो उसको सीरीज या पैरेलल जो होगा वो होगा, लेकिन बेसिक फार्मूला ये है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है एलसी जो क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ अगर बढ़ेगा जब एल और सी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट भी, तो स्क्वायर रूट साथ में चढ़ा हुआ है। तो ये बेसिक होता है क्वेश्चन करने का तरीका, अगर इसको आपने समझ लिया तो इससे कितनी भी प्रश्न पूछ ले। तो यहाँ देखिए, अगर एल बढ़ेगा तो आपका एफ कम होगा, सी बढ़ेगा तो एफ कम होगा, एल कम होगा और सी कम होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इस टाइप से प्रश्न करना है कि गलती ना हो। उसके बाद 184 नंबर प्रश्न है, हार्टले ऑसिलेटर कॉमनली यूज इन, बिल्कुल हार्टले में क्या होता है, इंडक्टर ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, एल सी तो है लेकिन इसमें एल की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसलिए एल इक्विवेलेंट बनाते हैं। और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो आपको तो एफ इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट सी, इस टाइप से करते हैं। तो ये ध्यान देते रहना है आपको किसमें कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा होता है, कैपेसिटर कम होते हैं, इंडक्टर ज़्यादा होते हैं, तो इस किसमें लगता है, तो इस ये बताना है यहाँ पे सिंपल सी। तो रेडियो रिसीवर में लगता है, रेडियो के रिसीवर साइड में लगता है, और ट्रांसमीटर रेडियो ट्रांसमीटर में बाद में बात करेंगे। देखिएगा 184 है, उसके बाद अगला प्रश्न है 185, कह रहा है इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आरसी सेक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर अगर आप ओप एम्प या किसी से बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का संरचना आता है। यहाँ से आपका माइनस सिग्नल है, इधर पॉजिटिव सिग्नल है, और यहाँ पे कैपेसिटर तीन कैपेसिटर होते हैं और ये सर्किट इसमें आकर जुड़ जाता है, उसके नीचे तीन रजिस्टर लगता है। तो इस बोल रहा है कितने सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 3। तो यहाँ पे 3 सेक्शन होता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में, और कितना फेज शिफ्ट होता है ये भी आता है प्रश्न। तो कितना हो सकता है, 360 या 180, तो एक का 120 होगा तो 360 होगा फेज शिफ्ट इंडक्टर, और इसमें कितना होता है, एक का होता है 90, तो हो सकता है मैक्सिमम 270 भी हो सकता है। तो इस टाइप से ये डिग्री में प्रश्न आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिंपल सी प्रश्न था कितना सेक्शन है, तो हमारे पास 3 सेक्शन होता है, 3 LC L1 C1 L2 C2 L3 C3 R1 L, यहाँ पे गलत हो रहा है, मैं इसको एक बार सुधार दूँ। 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं, R1 C1 R2 C2 R3 C3, ये 3 सेक्शन अलग अलग होते हैं और ये 3 सेक्शन फेज शिफ्ट के काम करता है। उसके बाद अगला प्रश्न था 186 में, कहेंगे इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड आर शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड द एलिमेंट ऑफ। तो देखिए, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को हमने पहले ही बात कर लिया है, आरसी ऑसिलेटर भी बोलते हैं, और सबसे पहले ही हमने फेज शिफ्ट और वीन ब्रिज को आर किसे शिफ्ट में रखे थे, तो फेज शिफ्ट और वीन ब्रिज दो टाइप के ऑसिलेटर है, जिसमें एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, आर और सी, यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे, जो सी राइट आंसर है। तो इस टाइप से आपको प्रश्न करना है। और अगर कॉलपिट हार्टले क्रिस्टल और क्लैंप ऑसिलेटर की बात आ जाए तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्टिव एलिमेंट होता है एल और सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 187 में है, ए वीन ब्रिज ऑसिलेटर यूज इन। तो देखिए, यहाँ पे उसी प्रश्न का हुआ कि हमने पहले प्रश्न में बात ये कर लिया था कि ऑसिलेटर किस में फीडबैक में काम करता है, पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वीन ब्रिज का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओनली निगेटिव में हो सकता है या ओनली पॉजिटिव में हो सकता है, और इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बुक में देखा कई जगह आप पॉजिटिव है, कई जगह नेगेटिव है, लेकिन अगर ऑसिलेटर की बात करते हैं तो ऑसिलेटर पॉजिटिव में काम करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये राइटर बाय राइटर बुक में डिफरेंस है। उसके बाद अगले हम बात करते हैं 188 नंबर प्रश्न का।
188 नंबर है, दी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल किससे उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, किस कारण से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो पीजो इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको स्ट्रेथ किया जाता है, पुश किया जाता है, तो पुश करने से जो उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो इसे क्या कह सकते हैं, डेवलप बिगाउन मैकेनिकल स्ट्रेस। वोल्टेज डेवलप कब होगा, जब उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया जाएगा तब उसमें चेंज होगा। तो देख लीजिएगा इस टाइप का प्रश्न है। उसके बाद 189 नंबर प्रश्न आपके पास आ गया है। तो 189 में है, इफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी रेंज विथ टेम्परेचर, कह रहा है चेंज है, सॉरी, इफ क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल में फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है तो क्या क्रिस्टल में क्या टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है क्रिस्टल का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ देख सकते हैं। तो इस समय में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है किसका, क्रिस्टल का। लेकिन अगर इसी में रहता, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास है, ए राइट आंसर है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है क्रिस्टल का। उसके बाद 189 के बाद 90 में जाएंगे। तो 90 नंबर प्रश्न हमारे पास है, दी क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्टेबल ड्यू टू क्रिस्टल। तो ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक क्रिस्टल का हमेशा आपको पीछा नहीं छोड़ना होता है, क्यू। क्यू को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर का, सभी ऑसिलेटरों से ज़्यादा होता है। अगर किसी में डब्ल्यू एल बाई कुछ ऐसा टर्म होता है उसके क्वालिटी फैक्टर का, ये डिग्री में होता है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत आगे दिक्कत हो जाएगी आपको, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर जितना बढ़ेगा उतना वो क्या रहेगा, स्टेबल होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा और बहुत अच्छा से काम करेगा। यानी कह सकते हैं कि उस क्रिस्टल को अगर 10,000 हर्ट्ज़ पे डिजाइन किया गया है, 10,000 फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के लिए, तो 10,000 से एक कम या एक ज़्यादा भी नहीं होगा, केवल 10,000 पे ही ऑपरेट होते रहेगा। इसे कहते हैं वेरी स्टेबल। तो यहाँ हाई क्यू, हाई क्वालिटी फैक्टर। उसके बाद हमारे पास 191 नंबर प्रश्न आएगा। तो 191 में है, इन वीन ब्रिज ऑसिलेटर दी इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट इज डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हमने बता दिया था आपको कंसेप्ट कि कहीं भी ऐसे प्रश्न आए तो डायरेक्ट बढ़ेगा घटेगा, सफिशियंट डाटा रिमेन सेम, कुछ नहीं करना है आपको, लिखना है एफ बराबर 1/2π। ध्यान दीजिएगा, वीन ब्रिज आर सी, यही हमारे पास क्वेश्चन है। और कह रहा है कि आर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये 1/2 में है आपका आर के टर्म, तो इंक्रीज होगा। तो इस टाइप से प्रश्न करते हैं तो गलती होने की संभावना 99% ख़त्म हो जाती है, रहती है फिर भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा गलत प्रश्न नहीं करना है। उसके बाद 192 नंबर हमारे पास प्रश्न है, दी एप्लीकेशन वेयर वीड बी मोस्ट लाइकली फाइंड ए क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो हमने पहले बात कर लिया था, रेडियो रिसीवर में यूज होता है किसका, एलसी टाइप किसी भी आपका एलिमेंट का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा है, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है या स्थिर होता है, और स्थिर किस में यूज किया जाता है, ट्रांसमीटर में, क्योंकि ट्रांसमीटर के बाद, ट्रांसमिट करने के बाद नॉइज भी मिक्स होता है, जितना सिग्नल स्टेबल होगा उतना अच्छा से ट्रांसमिशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे टॉपिक है, कम्युनिकेशन पढ़िएगा तो और टॉपिक आएगा। और मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को, भागने की कोशिश नहीं कीजिए एग्जाम में, आप स्टेबल होकर पढ़िएगा तभी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और एक टॉपिक से आपने क्लियर कर लिया मतलब कि निगेटिव होने की संभावना आपकी कम हो जाती है। तो चलिए 193 पे आते हैं। 193 में हमारा प्रश्न है, दी सिग्नल जनरेटर यूजली यूज इन लेबोरेटरी। ऑसिलेटर में कौन सी लेबोरेटरी में कौन सा ऑसिलेटर यूज करते हैं वो बताना है आपको। तो लेबोरेटरी में स्टेबल क्रिस्टल वाला नहीं करते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज होने वाला है वीन ब्रिज, बिल्कुल बिल्काउज सिंपल होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया 1/2π होता है, एक
एक आर और एक सी से मिलके बन जाता है, बिल्कुल सिंपल सा इसको फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट होता है, इसलिए इसे सिंपलेस्ट विज में करते हैं, ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं होता है और अच्छा फंक्शन करता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन 194 नंबर प्रश्न है, जो मैंने पहले ही शायद बता दिया है आपको इसी प्रश्न में, क्यू के रिगार्डिंग है, द क्यू ऑफ क्रिस्टल ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो हमने बता दिया था क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्यू क्या होता है, वेरी हाई होता है, इसलिए बहुत अस्टेबल वर्क करता है, और कितना होता है वो भी मैंने लगभग बता ही दिया था, मोर देन 10,000 होता है क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान दीजिएगा, एफ है ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो मोर देन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, और इसके आगे अगर हर्ट्ज जोड़ना चाहें तो हर्ट्ज में आएगा। तो उसके बाद हमारे पास 95 है, प्रश्न संख्या 95 है, ये भी है, इज ए फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो हमने पढ़ते ही आ रहे हैं, फिक्स फ्रीक्वेंसी को अगर कह दिया जाए कि स्टेबल फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, कोई डिफरेंस है आपके लिए, नहीं है ना, तो नहीं है तो क्रिस्टल पे आ जाइए, क्रिस्टल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे फिक्स फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो इस टाइप से प्रश्न करना है जो एक भी गलती नहीं होना चाहिए, और उसके बाद लास्ट वीडियो का लास्ट, और इसमें कह सकते हैं कि 196 नंबर प्रश्न है, इन LC ऑसिलेटर द वैल्यू ऑफ L इंक्रीज 4 टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज, तो बहुत लोग सर में हाथ लगाने लगेंगे, वैल्यू पूछ रहा है L का 4 गुना बढ़ रहा है, अभी तक हम प्रश्न करते आ रहे थे कि R अगर 2 गुना होता है तो हमारे सर्किट में करेंट की वैल्यू क्या होगी, लेकिन यहाँ तो ऑसिलेटर में L की वैल्यू बढ़ा रहा है 4 गुना, कैसे सोल्व करें, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब रोगों का एक ही दवा है F, क्योंकि ऑसिलेटर पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको आनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी आती है तो सारा प्रश्न आपके पास हाथ में है, और सारा प्रश्न आपके हाथ में है तो ध्यान दीजिए। अब इसमें कह रहा है ये 4 गुना बढ़ेगा, क्या L 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ने से 4 का ए रूट है, 4 का रूट करेंगे तो क्या होगा 2, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है इधर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, फ्रीक्वेंसी कितना गुना कम हो जाएगा 2 गुना, तो डिक्रीज इन 2 टाइम्स। तो इस स्टेप से प्रश्न करते हैं तो सारी क्वेश्चन का हल मिलेगा, और लोगों का रिस्पॉन्स मैं चाहूँगा, कई लोगों से मैंने देखा कि मेरे वीडियो जैसे ही डाल दो कि LP का सिलेक्शन ऐसा होगा, तो सभी लोग दिन रात करके उसको कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर स्टडी का कोई टॉपिक आता है वहाँ पे कमेंट निग्लिजेबल है, और लोगों से मैं चाहूँगा कि बिना आपकी भागीदारी के सक्सेस नहीं होगा, अगर क्वेश्चन गलत है तभी जवाब दीजिए, आंसर गलत है तभी जवाब दीजिए, सही है तभी दीजिए, अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तभी दीजिए, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी के बिना वीडियो को चलना मुश्किल है, और अगर आप कह सकते हैं कि अगर मैं 10 वीडियो बना लूँ कोई कॉमेंट नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है लोगों का, बिना इंगेजमेंट का कोई भी वीडियो फ्री में नहीं बनाता, और दूसरी चीज़ है कि हम बनाएंगे किसके लिए, हमारे सब्सक्राइबर अगर हमारा वीडियो देखने में ही सक्षम नहीं है तो मुझे सिंपल सा लगेगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, या मेरा टेक्निक गलत है, या आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।